नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि है। यूपी के किसान परिवार में जन्मे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर क्रांतिकारी जोश और युवा तर्क के नाम से मशहूर रहे हैं। 13 साल पहले आज ही के दिन 8 जुलाई 2007 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका देहांत हो गया था। पूर्वांचल के ऐतिहासिक जिला बलिया के इब्राहिम पट्टी गांव में 17 अप्रैल 1927 को जन्म लेने वाले चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री से पहले किसी राज्य या केंद्र में मंत्री पद नहीं संभाला था, लेकिन संसद से लेकर सड़क तक उनकी आवाज़ गूंजती थी। चंद्रशेखर भले ही 8 महीने प्रधानमंत्री पद पर रहे हों, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लंबा उनका राजनीतिक सफ़र रहा। चंद्रशेखर अपने तीखे तेवरों और खुलकर बात करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते थे। चंद्रशेखर कॉलेज टाइम से ही सामाजिक आंदोलन में शामिल होते थे और बाद में 1951 में सोशलिस्ट पार्टी के फुल टाइम वर्कर बन गए। सोशलिस्ट पार्टी में टूट पड़ी तो चंद्रशेखर कांग्रेस में चले गए, लेकिन 1977 में इमरजेंसी के समय उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद इंदिरा गांधी के मुखर विरोधी के तौर पर उनकी पहचान बनी। चंद्रशेखर के संसदीय जीवन का आरंभ 1962 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने जाने से हुआ। इसके बाद 1984 से 1989 तक की 5 सालों की अवधि छोड़कर वे अपनी आखिरी सांस तक लोकसभा के सदस्य रहे। 1989 के लोकसभा चुनाव में वे अपने गृह क्षेत्र बलिया के अलावा बिहार के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से भी चुने गए थे। अलबत्ता बाद में उन्होंने महाराजगंज सीट से इस्तीफा दे दिया था। 1967 में कांग्रेस संसदीय दल के महासचिव बनने के बाद उन्होंने तेज सामाजिक बदलाव वाले नीतियों पर जोर दिया और सीमांत के बढ़ते एकाधिकार के खिलाफ आवाज़ भी उठाई। फिर इसके बाद उन्हें युवा तुर्क की संज्ञा दी जाने लगी। युवा तुर्क के ही रूप में चंद्रशेखर ने 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरोध के बावजूद कांग्रेस की कार्य समिति का चुनाव लड़ा और जीता भी। 1974 में उन्होंने इंदिरा गांधी की अधीनता अस्वीकार करके लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का समर्थन किया। 1975 में कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने इमरजेंसी के विरोध में आवाज़ भी उठाई और अनेक उत्पीड़न सहे। पिछड़े गांव के पगडंडी से होते हुए देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले चंद्रशेखर के बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास यानी कि 7 रेस कोर्स में कभी रुके ही नहीं। वो रात तक सब काम निपटाकर भोड़सी आश्रम चले जाते थे या फिर 3 साउथ एवेन्यू में ठहरते थे। प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें बहुत कम समय मिला, क्योंकि कांग्रेस ने उनका कम से कम 1 साल तक का समर्थन करने का राष्ट्रपति को दिया अपना वचन नहीं निभाया और अकस्मात लगभग अकारण समर्थन वापस ले लिया। चंद्रशेखर ने एक बार इस्तीफा दे देने के बाद राजीव गांधी से उसे वापस लेने का अनौपचारिक आग्रह स्वीकार करना ठीक नहीं समझा। इस तरह से उन्होंने पीएम बनने के तकरीबन 8 महीने के बाद ही इस्तीफा देकर पीएम की कुर्सी छोड़ दी थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।